5 करोड़ दे गहने लेके लुटेरे फरार होए ने। सुनियारे दी दुकान दे विच ए लुट कीती गई। मौके दीआं तस्वीरां भी सामने आईआं ने। 5 लुटेरे पिस्तौल दी नोक ते दाखल होए, जिन्हां दे वल्लों अखां दे विच मिर्चा वाला स्प्रे छिड़किया गया और फिर लुट कीती गई। करीब 5 करोड़ दे गहने इस सुनियारे दी दुकान तों लैके फरार होए ने। हरिद्वार दीआं तस्वीरां ने समुचे सुनियारियां दे विच रोस दी लहर है। उन्हां दे वल्लों प्रदर्शन भी कीता गया। मौके ते पुलिस दे मुलाजम पहुंचे ने, जिन्हां दे वल्लों सीसीटीवी तस्वीरां नूं कब्जे दे विच लैके इन्हां लुटेरियां दी भाल शुरू कीती गई है। तां 5 करोड़ दे गहने लैके इह लुटेरे फरार होए ने। दिन दिहाड़े सुनियारे दी दुकान ते लुट कीती गई। अखां दे विच स्प्रे पा के इह वारदात कीती गई है। हरिद्वार दीआं तस्वीरां ने सुनियारे दे शोरूम दे विच 5 लुटेरे हथियार लैके दाखल होए। एक दे वल्लों फायरिंग भी कीती गई। फिर इन्हां ने गहने लए, शीशे भन्ने, मौके तों फरार हो गए। भैया वो देखो उधर मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, तो मैंने उनका मोटरसाइकिल पे पीछा किया तो उन्होंने तेज भगा दी। वो 3 लोग एक मोटरसाइकिल पर थे, मैंने उनके पीछे भगाई मोटरसाइकिल, तो आर्य नगर चौक तक मैंने उनका पीछा किया। कहाँ का नंबर था गाड़ी का? नंबर हरियाणा का था, हरियाणा HR 71D 9150। कितने लोग रहे? 3 लोग, 3 लोग। एक काले रंग का बैग उनके बीच वाले व्यक्ति ने पकड़ा हुआ था भरा। एक ही बाइक थी, कई बाइक थी? मेरे सामने तो एक ही बाइक थी जिसका मैं पीछा कर रहा था। हथियार ले रखे थे? हथियार था उनके पास में, यहाँ भी गोली चलाई है उन्होंने। एक डकैती की घटना हुई है जिसमें 5 हथियारबंद लोगों द्वारा यहाँ पर आके एक ज्वेलरी शॉप में उसके डकैती की घटना करी है, जिसमें करीब 5 करोड़ के आसपास जो अभी उन्होंने द्वारा बताया गया है डकैती की गई है, उसका भी हम लोग और वेयरबॉट्स पता लगा रहे हैं और जल्दी ही इसमें हम लोगों के द्वारा इस पर कार्रवाई करी जाएगी, सख्त कार्रवाई इसमें की जाएगी। किस तरह घटना का अंजाम किस तरह से दिया गया? कारण इसमें 4 इसमें 5 लोग एक स्कूटी और एक मोटरसाइकिल में आते हुए दिखाई दे रहा है और इसमें हम लोग जल्दी ही इसमें कि शहर का मेन हार्ट ऑफ द सिटी है, वहाँ पर अभी सुबह सुबह डकैती हुई है। 5-6 लोग अंदर घुसे शोरूम में, उन्होंने मिर्ची वाला स्प्रे करके इनको परेशान करके और फायर भी किया है। ये तो भगवान का शुक्र है कि उनकी किसी की जान नहीं गई है, लेकिन पूरा शोरूम खाली कर दिया है। और इस तरह की घटना हरिद्वार में पहले भी हो चुकी है, श्री मुरातारा जोड़ शंकर आश्रम पे डकैती हो चुकी है। कई सारी घटनाएँ हरिद्वार के अंदर इस तरह की घटित हो रही हैं, उसके बाद भी कोई प्रशासन पुलिस कुछ भी ज्वेलर्स की सुरक्षा के लिए, व्यापारी की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं, केवल चलान काटने और ये सब, इसके अलावा कोई वहाँ में लगता नहीं है कि कोई व्यापारी के लिए कोई सुरक्षा प्रदान की जा रही है। तो बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी है, ये समझ लीजिए कि ये सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है और आज संडे का दिन है, उसके बावजूद इतनी हिम्मत हमारे उत्तराखंड में हो रही है, पुलिस के प्रशासन की नाकामी है।